हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल छोटी सी रसोई। आज मैं आप सभी के लिए एक और व्रत की रेसिपी लेके आई हूँ जो साबूदाना बड़ा है, लेकिन इसमें हम उबले हुए आलू का यूज़ नहीं करेंगे, कच्चे आलू का यूज़ करेंगे और खाने में बिल्कुल वैसा ही रहेगा। तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए, पसंद आएगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने साबूदाना 1 कप लिया था, जिसको मैंने अच्छे से धो के इसमें आप 1/2 कप पानी डाल दें और इसको 1 घंटे के लिए छोड़ दें। 1 से 2 घंटे के लिए अच्छे से फूल जाएगा। हमें साबूदाना भीगा हुआ चाहिए और अच्छा खिला खिला चाहिए। इसी के साथ मैंने 2 आलू लिए हैं, तो थोड़े बड़े साइज़ के आलू हैं जैसे कि आप देख रहे हैं। इसको छील के मैंने पानी में डाल दिया है, नहीं तो आलू काले पड़ जाते हैं। और इसको हम कद्दूकस करेंगे। तो यहाँ पे आपको एकदम बारीक वाली ग्रेटर से आपको ग्रेट करना है। हम आलूओं को कद्दूकस करते जाएंगे और उसे पानी में ही डालते जाएंगे, जिससे आलू हमारे काले ना हो। और इसको अच्छे से मैंने कद्दूकस कर लिया था, उसको अच्छे से थोड़ा सा मसल लीजिएगा, जिससे जितना भी आलू में स्टार्च होता है वो निकल जाएगा, जैसा कि आप देख रहे हैं। इसमें मैं थोड़ा और पानी भर देती हूँ, उसके बाद हम इसे छान लेंगे। तो छानने के लिए एक कपड़ा मैंने रख दिया है एक जाली के ऊपर, और इसके ऊपर सारा आलू को रख दिया। उसके बाद अब इसके पानी को बहुत ही अच्छे से निचोड़ लें। अलग अलग हाथ से निचोड़ते हैं तो वो उतना अच्छा पानी नहीं निकल पाता है, कपड़े में बांध के कीजिए, पूरा पानी कम मेहनत में निकल जाती है। इसके बाद हम इन आलूओं को हमारे साबूदाना में डाल देंगे। तो आपको देख के ही लग रहा होगा अब कि कितना अच्छा खिला खिला आलू है। ज़्यादा मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर आपका साबूदाना बड़ा अच्छे से बनेगा नहीं, और तेल में जाने के बाद फटने का डर रहता है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच जीरा, अगर खाते हैं तो डाल दें, नहीं खाते हो तो स्किप कर दें। 1 छोटा चम्मच ही अदरक मैंने बारीक कद्दूकस कर लिया था, और 2 से 3 हरी मिर्च, मिर्ची आप अपने अकॉर्डिंग डालें, थोड़ा सा कड़ी पत्ता डाला है मैंने और थोड़ा सा धनिया डाला है। इन सब से टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है हमारे साबूदाना बड़ा में। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालें तो इसमें 1.5 छोटा चम्मच नमक गया है। इसके बाद हम इसमें 1/2 कप मूंगफली डालेंगे, जिसको हमने दरदरा पीस लिया है भून के, और इससे बाइंडिंग बहुत अच्छी आती है, टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। अगर आप नहीं खाते हो तो स्किप कर सकते हैं। इसको हम बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे, इसमें इस तरीके का बॉल बन जाना चाहिए, तब तक आपको मिक्स करना रहेगा। अच्छा डो बन के रेडी हो गया है, अब हम इसे थोड़ा साइड में रखते हैं और पहले हम चटनी बना लेते हैं। तो चटनी बनाने के लिए मैंने जिसमें मूँगफली पीसा था उसी का जार यूज़ किया है, और इसमें हम धनिया डाल दें। इसके बाद हम इसमें 2 हरी मिर्च डाल देंगे, तो मिर्ची आप अपने अकॉर्डिंग डालें, नमक और मिर्ची हमेशा अपने अकॉर्डिंग ही आप डालें। थोड़ा सा मैंने अदरक डाला है, और इसी के साथ 1 टमाटर छोटे साइज़ के थे, देसी वाले हैं, उसे मैंने डाल दिया है। अगर आपको थोड़ा खट्टा पसंद है तो थोड़ा सा नींबू का रस भी डाल सकते हैं, 1/2 चम्मच। और इसमें हम टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे, तो 1/2 छोटा चम्मच नमक गया है, उससे ज़्यादा नमक नहीं गया। अब हम इसे पीस लेते हैं, और पीसने के बाद आप देख रहे हैं इसमें पानी का यूज़ बिल्कुल भी नहीं हुआ है, इसे हम साइड में रखते हैं। अब हम अपना बड़ा बनाते हैं। तो बड़ा बनाने के लिए आप हाथों पे पहले तेल लगा लें, और तेल लगाने के बाद इसके बॉल्स रेडी करें। आपको या तो गोल पसंद है या थोड़े से चपटे पसंद है, जैसा बड़ा पसंद है, साइज़ और कैसा पसंद है वो बिल्कुल आपके ऊपर है। अब चलिए इसे हम फ्राई कर लेते हैं। तो इस फ्राई करने के लिए तेल को मैंने गरम कर लिया, अच्छा गरम है, और उसके बाद फ्लेम को मीडियम कर दिया, और एक एक करके हम इसमें वड़ा को डालते जाएंगे। जितनी आपकी कढ़ाई में वड़ा आ रहा है उतना आप इसमें डाल दें, और वड़ा को आप थोड़े टाइम के बाद पहली बार पलटिएगा, थोड़ा सा ऊपर की परत है जो पक जाए उसके बाद, और इसको पलटते हुए ही आप इसे फ्राई कर ले, हल्का गोल्डन हो जाएगा तब तक आपको फ्राई करना रहेगा। और दोनों साइड से पलटते रहिएगा, अगर एक साइड पर छोड़ देते हैं वड़ा को तो वो फूटने का ज़्यादा डर रहता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं वड़ा हल्का सा गोल्डन हो गया है, अब हम इसे निकाल लेंगे। एकदम क्रिस्पी करारे और अंदर से सॉफ्ट वड़ा बन के रेडी हुआ है, और इसी तरह से हम दूसरे वड़ा को भी तैयार कर लेते हैं। और मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ कि कितना ज़्यादा कुरकुरा है, इसकी आवाज़ आप सुन सकते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और अंदर से एकदम सॉफ्ट बनता है, बहुत ज़्यादा टेस्टी, एकदम परफेक्ट वड़ा बन के रेडी होगा। इसे आप चटनी के साथ इंजॉय करें। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, बेल आइकन को भी जरूर दबा लें, और मुझे आप इंस्टाग्राम पर फॉलो करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली नई रेसिपी के साथ में।